ये देख लीजिए महिला वर्ग मतलब कह सकते हैं महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता अशोक नगर जाते हुए और रैली को संबोधित करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। और ये देखिए सभी लोग आप गुना के निवासी हैं, गुना से आए हैं, रैली में जा रहे होंगे। बताइए शुभ नाम बताइए। मीनू मौर्या मिडिया परिवारी गुना। देख लीजिए ये कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता हैं और सभी लोग यहाँ से जाते हुए इस साड़ों का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको और पूरी रैली को संबोधित जो होगी उसको पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को देखते रहिएगा। ये देखिए साऊ मैरिज गार्डन और गार्डन के आगे यहाँ पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता खड़ी हुई और यहाँ से प्रस्थान करेंगी ये अशोक नगर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख लीजिए दोस्तों पहुंच गए हैं साड़ोरा और यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अशोक नगर जाते हुए और रैली मतलब कह सकते हैं रैली को बहुत ज्यादा आगे पहुंचाते हुए। देखिए बहुत दूर दूर से कार्यकर्ता आए हुए हैं। सर जी कहाँ से आ रहे हैं? जिला गुना से। गुना से आ रहे हैं रैली में जाने के लिए। रैली बनाने का ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा तादाद में अशोक नगर जाते हुए। कारण है बहुत ही सुंदर एक रैली होने वाली है अशोक नगर के अंदर और यहाँ पर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आने वाले हैं और उनको संबोधित करते हुए उनको सुनते हुए जाते हुए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। ये साड़ोरा का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको। वीडियो में बने रहिएगा, आज आपको पूरा वीडियो बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देख लीजिए दोस्तों अशोक नगर जा रहा था, यहाँ पर देखिए लोग तैयारी करते हुए एक रैली की। देखिए कांग्रेस का झंडा लहराता हुआ। मैं पूछने की कोशिश करूंगा कौन सा गांव है ये और रैली में जा रहे होंगे आप। देखिए यहाँ पर लोग यहाँ के निवासी रैली में तैयारी करते हुए। कितनी देर से निकलेंगे? आधे घंटे से निकलेंगे। अभी लोगों का इंतजार कर रहे हैं और ये देखिए ट्रैक्टर पर कांग्रेस का झंडा लहराता हुआ। आपको सुंदर सुंदर दृश्य दिखाऊंगा मैं इस रैली के, तो वीडियो में बने रहिएगा। और आइए अशोक नगर के रास्ते का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको और अशोक नगर में मिलते हैं आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर जाम लगा हुआ है। कारण है ट्रेन आने वाली है और ये आपको काफिला दिख जाएगा। ये काफिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का है और यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता अशोक नगर प्रस्थान करते हुए। कारण है एक बहुत ही शानदार रैली होने वाली है। ये देखिए जगह जगह से दूर दूर से गाड़ियों के काफिले के साथ आपको कार्यकर्ता मिल जाएंगे। ये सभी लोग अशोक नगर जा रहे हैं यहाँ पर कार्यकर। बताइए शुभ नाम बताइए। सुषपाल सिंह यादव। और आप कांग्रेस पार्टी के रैली में जा रहे हैं? रैली में जा रहे हैं कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी की रैली में जा रहे हैं। ये देखिए दूर दूर से कार्यकर्ता जाते हुए। बताइए शुभ नाम बताइए। ब्रजेश भार्गव मंडल अध्यक्ष। कहाँ से है? सालपुर गुना विधानसभा ग्रामीण। ग्रामीण से हैं और ये रैली में जा रहे होंगे और हमारे राजा साहब आ रहे हैं इसलिए हम सभी लोग अशोकनगर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देख लीजिए कांग्रेस का हाथ मजबूत करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ से जाते हुए। ये गाड़ियों का काफिला आपको दिख जाएगा और यहाँ का दिखाने का मतलब है ये देखिए महिला वर्ग भी किसी काम में पीछे नहीं है। जय कांग्रेस विजय कांग्रेस का नारा लगाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता। बताइए शुभ नाम बताइए। जय जय कमलनाथ। शुभ नाम बताइए अपना। मनोज रघुवंशी डुंगासरा ग्राम। कहाँ से हैं? ग्राम डुंगासरा नहीं सर। और रैली में जा रहे होंगे? हाँ जी, जी। देखिए रैली में जाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये देखिए वार्ड क्रमांक 29 और यहाँ पर देखिए रैली में जाते हुए हमारे आदरणीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और कांग्रेस की रैली को सफल बनाते हुए गुना के कांग्रेस के कार्यकर्ता। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेन की वजह से थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर व्यवसाय करते हुए भुट्टे बेचते हुए यहाँ के कौन सा गांव है ये साड़ोरा के निवासी। बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग देखते हुए। कारण है बहुत ही ज्यादा शानदार रैली होने वाली है अशोक नगर के अंदर और उसी को सफल बनाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये देखिए दूर दूर तक आपको गाड़ियों का काफिला मिल जाएगा।
ये काफिला आपको अशोक नगर ले जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिएगा वीडियो में। देख लीजिए दोस्तों, ले आया हूँ मैं आपको अशोक नगर की सिटी के अंदर, और यहाँ पर बहुत ही शानदार एक रैली होने वाली है और उसी को कवर करने यहाँ आया हुआ हूँ। ये देखिए अशोक नगर का सुंदर दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरन ब्लॉग को, और आइए मैं आपको रैली में ले चलता हूँ। वहाँ पर आपको पूरी कांग्रेस पार्टी की जो रैली होने वाली है, बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, उनको मैं कवर करके दिखाऊंगा। ये देख लीजिए ऊंचा झंडा लहराता हुआ कांग्रेस पार्टी का, और ये देखिए अशोक नगर का जिला अस्पताल है और उसका आपको व्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेन ब्लॉग को। ये जो अशोक नगर की पवित्र भूमि, एक ऐतिहासिक सभा के रूप में इतिहास में दर्ज होने जा रही है। आज अशोक नगर सहित मध्य प्रदेश युवाओं को, महिलाओं को, किसानों की दर्द भरी पीड़ा को इस मंच के माध्यम से, आप सभी की पीड़ा को इस मंच के माध्यम से व्यक्त हमारे वक्तागण कर रहे हैं। इन वक्ताओं की जलाई, जैसे ही शिवराज सिंह बैरोपिया ने हमारे यहाँ लाडली बहना चालू की है, उनमें भी मैं एक भाट का नेतृत्व कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मुश्किल से उस साढ़े चार हजार का बाढ़ है, उसमें से 400 महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत लाभ मिल रहा है, जबकि सारी बस्ती गरीब है। और इसके अलावा जैसे कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी की सरकार बनी, तो हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, बिजली का 5 HP का मोटर का बिल माफ करेंगे, 100 यूनिट 100 रुपए बिजली की जगह 100 यूनिट फ्री में देंगे, 200 यूनिट बिजली का बिल जो है वो हाफ में रहेगा। आने वाले चुनाव में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कांग्रेस को मजबूत करें, आने वाले समय में कांग्रेस का वोट दें, गरीबों का हाथ आम जनता के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। श्री रायन जी चिकरी कृपया मंच पर पधारे। हमारे वरिष्ठ तो जनता मुखर है, सत्ता बौखलाई हुई है और उसकी बौखलाहट में वो घोषणा मशीन बन गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अधिकारी कह रहे हैं, विभाग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी घोषणा मत कीजिए, बजट नहीं है। मुख्यमंत्री एक पागल हाथी की तरह मदमस्त होकर घोषणाएं किए जा रहे हैं और इस सरकार को कर्ज में डालकर अनियंत्रित कर इस सत्ता के नशे में अगली सत्ता प्राप्त करने के लिए मदहोश लिए जा रहे हैं। हमारे अगले वक्ता के रूप में मेरे पास में खड़े हैं अरुण द्विवेदी जी। मैं एक बार आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अरुण द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये तालियां सत्ता परिवर्तन के लिए होंगी और हर वक्ता के लिए बजाइए आप। कांग्रेस कार्यकर्ता की तालियां कोई मामूली तालियां नहीं होनी है। हमारे प्रशासन के अधिकारियों का जो प्रोटोकॉल है, जेट सुरक्षा और अन्य जो सुरक्षाएं होती हैं, उसके तहत उनका ध्यान आकर्षण है कि हमारे राजा साहब